आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय चैनल RNN News, खबर आप तक। आमतौर पर बहुत कम ही देखने को मिलता है कि कोई शिक्षा अधिकारी अपने ऑफिस कार्य के समय को निकालकर स्कूल में बच्चों की शिक्षा गुणवत्ता को ध्यान में रख स्वयं क्लास लेकर बच्चों को शिक्षा दे। लेकिन बलौदाबाजार जिले में एक ऐसा भी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है जो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने ऑफिस कार्य को पूर्ण कर शिक्षक की कमी वाले कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल में बतौर शिक्षक की भूमिका में बच्चों को कॉमर्स जैसे विषय में पढ़ाई कराते हैं और बच्चों को शिक्षा देते हैं। जब इस संबंध में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जे आर डहरिया से चर्चा किया गया तो बताया कि पहले वे कॉमर्स के प्राध्यापक थे और बिलाईगढ़ के कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल में कॉमर्स के शिक्षक की कमी है जिनके वजह से बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रहे थे। ऐसी स्थिति में वहाँ शिक्षक के रूप में कॉमर्स की पढ़ाई करा रहे हैं ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। दो हजार तीन का खत्म हो गया, कितना समझ में है? कुछ में लाइक कोई चीज है? क्लियर? फिर क्या होगा बोलते जाओ। एक जनवरी 2004 को लेके यंत्र 10,000 रुपये में की लागत में खरीदा गया। वास्तव में कॉमर्स एक नया सब्जेक्ट है, यहाँ खुला हुआ है। कॉमर्स के टीचर नहीं हैं यहाँ, क्योंकि मैं कॉमर्स का लेक्चरर रहा हूँ। अब मेरा प्रथम काम तो पढ़ाना ही था, इसलिए मैं आकर बच्चों को पढ़ाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि बच्चों को पूरे सब्जेक्ट का ज्ञान हो और वार्षिक परीक्षा की उनकी पूर्ण तैयारी हो जाए, इसलिए मैं यहाँ अध्यापन करता हूँ। सर, जैसे टीचर की कमी है तो इसको लेकर क्या प्रयास किया जा रहा है? टीचर की कमी है, वास्तव में कॉमर्स अभी 2 साल हुआ है खुले हर स्कूल में, तो कॉमर्स के टीचर की भर्ती शासन द्वारा कर रहे हैं। जहाँ नहीं है तो वहाँ हमने कोशिश कर रहे हैं कि हम स्वयं जाकर या हमारे असिस्टेंट जो जाकर जो या जो कॉमर्स में एमकॉम किए हैं, जो बाहर के बच्चे हैं, उसको हम उसके द्वारा अध्यापन करा रहे हैं। वहीं कक्षा 11वीं कॉमर्स के छात्राओं ने बताया कि कॉमर्स की टीचर की कमी की वजह से कोर्स पीछे चले गए थे और हमारे भविष्य अंधकार में फंस रहे थे। जब से बीओ सर ने पढ़ाना प्रारंभ किया है तब से पढ़ाई में गुणवत्ता आया है और हमारे कोर्स पूर्ण होने की स्थिति में है। हाँ, बहुत संतुष्ट हो पाते हैं। और जो हमारे कॉमर्स में टीचर नहीं थे ना, तो सर बहुत बड़े अधिकारी देखिए और वो हम लोगों को अभी अभी समय को देकर आ रहे हैं और काफ़ी से काम भी को कर आ रहे हैं, हम लोगों को पढ़ा रहे हैं और अच्छा भी लगता है। सर पढ़ाते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं और समझ में भी अच्छा आ सारी विषय समझ में आ जा रहे हैं। हाँ, सारी विषय और कॉमर्स के मेन सब्जेक्ट क्या है कौन है उसी को पढ़ाते हैं, मगर वो ज़्यादा पढ़ाते हैं उसी को और कॉमर्स के मेन विषय है और अच्छा समझ में आते हैं। बीओ सर हमें पढ़ाते हैं तो हम लोग बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। उस वो पढ़ाते हैं तो हम अपने जीवन में कुछ बन सकते हैं, ऐसे लगता है हम लोग। अच्छा, आप लोग कब से पिछड़े हुए थे इस विषय में? बहुत बहुत दिनों से, जब से स्कूल खुला है। अब कैसा है? अब थोड़ा अच्छा चल रहा है पढ़ाई। क्या लगता है आपको आगे पिछड़ने वाली जो समस्या थी वो खत्म हो गई, ऐसा लगता है क्या? ऐसा लगता है खत्म हो गई। बीओ की इस पहल को अंचल के वासियों व पालकों द्वारा काफी सराहा जा रहा है। RNN News के लिए जिला बलौदाबाजार से चीफ एडिटर राजू निराला की रिपोर्ट।